आज मैं संस्कृत की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम अनुवाद करते हैं, और कुछ मैंने उसमें लकार के बारे में बताया था, जहाँ पर मैंने कुछ, क्योंकि अनुवाद के बारे में बता रहा था तो मैं लकार के बारे में मैंने कहा था, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। यहाँ कुछ बातें जानना ज़रूरी है जिसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। संस्कृत में सबसे पहली बात होती है कि जो संस्कृत में लिंग होते हैं, जैसे हमारे पास इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो सिंपल दो ही होते हैं, मेल फीमेल, वैसे संस्कृत में हमारे पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीन लिंग होते हैं। इसके बाद वचन, जैसे इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होते हैं, वैसे ही संस्कृत में हमारे पास एकवचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। पुरुष की बात करें तो संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष होते हैं। अब जब हमें वाक्य बनाना होता है तो उसके लिए इन सभी के अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है कारक की। कारक जो होते हैं संस्कृत की अगर बात करें, यहाँ पर छह कारक जो होते हैं मेन होते हैं, टोटल आठ होते हैं, जिसमें हमारे पास कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये कारक होते हैं। इनका प्रयोग कैसे होता है, अगर आप कोई भी वाक्य सोचिए, जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर ने आया, ने का मतलब हो गया यहाँ पर कर्ता कारक है। राम ने श्याम को किताब दी, मतलब कर्म कारक है। इस तरीके से ये सभी कारक यूज होते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कर्ता है, कर्म है, उसके बाद करण कारक है। करण कारक जहाँ पर कभी किसी वाक्य में बीच में से आए। अब आप देखेंगे करण कारक और अपादान दोनों में ही से है, लेकिन ध्यान रखते हैं कि कब अपादान कारक होगा, जब कभी से का अर्थ किसी वस्तु के अलग होने में प्रयोग हो रहा हो, जैसे पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर फल पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। और इसी जगह किसी ने लिखा हो जैसे राम ने श्याम से किताब ली, तो यहाँ पर करण कारक होगा। संप्रदान कारक होता है जब कभी किसी वाक्य बीच में के लिए आता है। संबंध कारक होता है जब कभी का, की या के आता है। अधिकरण आता है जब में या पर आता है, जैसे कि किताब पर पेन रखा है, तो यहाँ पर आया यानी कि अधिकरण। और संबोधन आता है जब कभी हे या अरे के भाव में हम वाक्य लिखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर लकारों के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जब वाक्य बनाना बताया था, तो मैंने केवल एक एग्जांपल लिया था लट लकार का। अब यहाँ पर समझते हैं लकारें क्या हैं और इनका महत्व क्या है। सबसे पहले लट लकार होती है जो कि प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वर्तमान काल के लिए यूज़ करते हैं। जब कभी कोई भी आपका वाक्य वर्तमान काल में है, तो उसके लिए आप लट लकार से जो भी वाक्य बनेगा उससे संस्कृत बनाएंगे। इसी तरह जब कभी भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस की बात होती है, तो लंग लकार लिखते हैं। फ्यूचर टेंस के लिए लिट लकार यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास दो और होती हैं, विदलिंग और लोट। विदलिंग जो होती है, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल मोड। पोटेंशियल मोड का मतलब होता है जब कभी आप किसी से ओबलाइज करना चाहते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, तो उस जगह हम विदलिंग यूज करते हैं। और जब कभी किसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी की अनुमति चाहते हैं, वहाँ पर इम्परेटिव मोड बोला जाता है, और उस जगह लोट लकार यूज की जाती है। तो इन सभी लकारों को आपको जब वाक्य बनाना है तो ध्यान में रखना है, इनके मदद से ही आप वाक्य बना पाएंगे। जैसे अगर आप लिखते हैं वह जाता है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, वहां लट लकार होगी। अब इसी जगह आपने लिखा वह गया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में आ गया, तो लंग लकार लिखेंगे। फ्यूचर टेंस वह जाएगा, तो लिट लकार होगी। आगे देखते हैं अब यहां पर लकारें लिखते कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको लट लकार बताया था। लट लकार में एक वचन में प्रथम पुरुष में आता है गच्छति, इसी तरह द्विवचन में गच्छता और बहुवचन में गच्छन्ति। तो ये हो गया गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामा। यहाँ पर लट लकार तीनों पुरुष हो गए। इसी तरह जो हमारी दूसरी लकार होती है वो कौन सी होती है, लिट लकार होती है। लिट लकार इसमें हमारे पास इस तरीके से बनता है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। आपको ध्यान रखना है कि केवल कोई एक आपको रूप याद कर लेने हैं, इनको धातु रूप कहते हैं, कोई एक धातु रूप याद कर लेने हैं और उसी से सारे बन जाते हैं। जैसे यहाँ जाने के लिए हम यूज़ करते हैं गम, पढ़ने के लिए पठ यूज़ करते हैं। अब पठ का अगर हम लिट लकार देखें, तो यहाँ जैसे गमिष्यति है, वैसे यहाँ पर पठिष्यति हो जाएगा। गमिष्यता की जगह पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः और पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा और पठिष्यामा। तो इस तरीके से लिट लकार बन जाएगी। अब अगर हम आगे की बात करें, तो नेक्स्ट हमारी लकार आती है लंग लकार।
लंग लकार कौन सी होती है? जब कभी हमारे पास, ऊपर मैंने बताया था आपका भविष्यकाल आएगा। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, प्रथम पुरुष में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ये लंग लकार के रूप होते हैं। इसी में अगर आपका पढ़ने का है, करने का है, जिसका भी है, यहाँ पर आप उसी हिसाब से बदल लेंगे। यानी कि कोई एक आपको याद कर लेना और उसके हिसाब से आप बाकी सभी वाक्यों में अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद लोट लकार होती है। लोट लकार में रूप चलते हैं गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। और आखिरी होती है विदलिंग। विदलिंग कौन सी होती है? आपने अभी ऊपर देखा था जिसमें मैंने आपको पांचों के बताए थे। विदलिंग में क्या था, जहां कहीं आप अपनी ओबलाइजेशन या पावर दिखाएं, जैसे अरे ये तुमने क्या किया, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनमें विदलिंग लकार होती है। यहाँ पर हमारे रूप चलते हैं गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, ये हमारी विदलिंग हो गई। अब ये तो सारे हो गए धातु रूप। धातु रूप के बाद आते हैं शब्द रूप। शब्द रूप याद करना बहुत आसान है, आपको केवल तीन रूप याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है, तो आपको तीनों के एक एक रूप याद करने और उसी से आप बाकी सारे रूप बना लेंगे। जैसे यहाँ देखिए स्त्रीलिंग में मैंने लता के रूप लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये शब्द रूप हैं, ये शब्द रूप विभक्तियों के हिसाब से चलते हैं। जो धातु रूप होते हैं वो पुरुष के हिसाब से चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जबकि जो हमारे शब्द रूप होते हैं वो विभक्तियों पर चलते हैं, विभक्ति आठ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी को हम संबोधन बोलते हैं, क्योंकि इसका अर्थ जो भाव होता है वो संबोधन के भाव में होता है। अब देखते हैं यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लता के क्या रूप बनते हैं। लता, लते, लता। अब यहाँ पर जितने भी स्त्रीलिंग होंगे, अगर लता के हैं यहाँ पर, बालिका के आते हैं, तो ये इसी हिसाब से बना लिए जाते हैं। इसके बाद द्वितीया में लताम, लते, लता, लतिया, लताभ्याम, लताभि, लताये, लताभ्याम, लताभ्या, लताया, लताभ्याम, लताभ्या, लताया, लतियो, लतानाम, लतायाम, लतियो, लताशु और लते, लते, लता। इनको कहीं कहीं हे लते और हे लता भी लिखा जाता है, क्योंकि संबोधन के भाव में हम प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे शब्द रूप, जो कि नपुंसक लिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने फल के लिखे हुए हैं। फल के देखिए, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताऊंगा नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के बीच में। जब कभी हमें नपुंसक लिंग के अगर याद करने हैं, अगर आपको पुल्लिंग के याद है, तो नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया विभक्ति आपको याद करने की जरूरत है। तृतीया से लेकर संबोधन तक के जो रूप बनते हैं वो पुल्लिंग के हिसाब से ही बनते हैं। अगर हम पहले पुल्लिंग देखें, तो यहाँ पर आप देखिए बाल के लिखे हुए हैं, बालह, बालव, बाला, बालम, बालव, बालान। इसके बाद के बालेन, बालाभ्याम, बालय, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्या, बालाद, बालाभ्याम, बालेभ्या, बालस्य, बालियो, बालानाम, बाले, बालियो, बालेसु, हे बाला, हे बालो, हे बाला या बाल बालो बाला। अब जब आपको फल के लिखने होंगे, तो आपको यहाँ पर बदलाव केवल प्रथमा और द्वितीया में करने होंगे। तृतीया से आप यहीं से देख सकते हैं, फलेन, फलाभ्याम, फलई, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्या, इसी तरीके से लिखे जाएंगे। केवल शुरू की दो लाइन जो होंगी, यानी कि प्रथमा और द्वितीया, वो अलग होंगी। और एक और खास बात है कि प्रथमा और द्वितीया दोनों जो लाइन होती हैं, जो नपुंसक लिंग में हम यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। यानी कि प्रथमा में फलम फले फलानी, द्वितीया में भी फलम फले फलानी। मतलब आपको लिखना होगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्या, फलात फलाभ्याम फलेभ्या, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलस्य फलियो फलेसु, हे फलम, हे फले, हे फलानी या फलम फले फलानी। तो दोस्तों ये सारे शब्द रूप और धातु रूप हो गए। अब इन्हें वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, कारक शब्द रूप को और धातु रूप को मिलाकर कैसे वाक्य बनाएंगे, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको आगे इस तरह के संस्कृत के कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता रहूंगा। जो भी अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंचें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन आएगा उस पर क्लिक करें। थैंक यू।